हिमाचल पेंशनर्स संघ इकाई चंबा द्वारा रविवार को लोक निर्माण विभाग के परिधि गृह में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इकाई प्रधान प्रेम सिंह बेदी ने की। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न मांगों व समस्याओं पर मंथन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पेंशनरों की चिर लंबित मांगों को जल्द पूरा कर राहत प्रदान करने की मांग उठाई गई। प्रधान प्रेम सिंह बेदी ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार की ओर से मात्र 400 चिकित्सा भत्ता प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि महंगाई के इस दौर में बहुत कम है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि चिकित्सा भत्ता 2500 रुपए प्रति माह किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने और कोरोना काल में बंद हुई चंबा अमृतसर बस सेवा को बहाल करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांगों व समस्याओं का निपटारा न हो पाने से सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। सरकार पेंशनरों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। उन्होंने सरकार से जल्द पेंशनरों के हितों को संवार कर व्याप्त रोष को समाप्त करने की मांग भी की। आज हमारी हिमाचल पेंशनर संघ चंबा ब्लॉक की मासिक बैठक का आयोजन श्री पी एस बेदी जी प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस मासिक मीटिंग के जो हमारे मुद्दे हैं वो इस प्रकार से रहे। जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस रिटायरीज को दिया जाता है वो 400 पर मंथ है, जो कि इसको बढ़ा के हमारी गुजारिश है सरकार से कि इसको 2500 रुपये प्रति मंथ किया जाए, क्योंकि बुढ़ापे में काफ़ी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और जो पेंशनर हैं वो इससे राहत ले सकें। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो 1/1/2016 से सिक्स पे कमीशन का जो रिवीजन ऑफ पे स्केल हिमाचल सरकार ने दिया है उसका हमने पहले से ही धन्यवाद तो कर दिया है, मगर पंजाब पैटर्न के हिसाब से वो 2.59 के हिसाब से दिया जाए, जबकि हिमाचल गवर्नमेंट ने 2.57 ही अभी तक दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा, अतिरिक्त पेंशन स्कीम जो सरकार किया है, जो कि 65 व 75 80 वर्ष इत्यादि पूरा होने पर पेंशनरों के पूरा होने पर दी जाती है, वो रिवाइज्ड पे स्केल पे दी जाए। फोर्थ हमारी डिमांड है, हमारे को यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी जो भी पेंशन संघ के मेंबर हैं उन्होंने उनसे ज्ञात हुआ है कि चंबा में जो जितने भी डीडीओज हैं उन्होंने रिटायरीज जो 1/1/16 के बाद के रिटायरीज हैं उनसे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कराई है, अतः सभी डीडीओज जो स्टेशनड एट चंबा एज वेल एज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट उनसे प्रार्थना है कि 1/1/16 के बाद जो रिटायरीज हैं हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के उनके जल्दी से जल्द ऑप्शन लेके और उनकी पे फिक्सेशन तुरंत की जाए और ताकि जो रिटायरीज हैं उनको राहत मिल सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।